Hello guys, I am Arjun Singh. I am teacher of English, ASTA Defense Academy, Delhi. आज बात करते हैं ग्रामर में और ग्रामर में सबसे पहले आज हम जो बताने जा रहे हैं सुपरफ्लूअस सेंटेंस बताने जा रहे हैं, ठीक है? तो सुपरफ्लूअस एक्चुअल में होता क्या है, पहले इसको जान लो। मान लो मैंने लिखा इफ और मैंने लिखा सपोज। इफ और सपोज दोनों का मीनिंग सेम होता है, मानो काश अगर ऐसा होता, ठीक है? जब दोनों का मीनिंग सेम है तो ये तो इफ आएगा या सपोज आएगा। अगर मैं दोनों को एक साथ लिखूंगा इफ और सपोज को, तो दोनों का दोनों एक साथ आने से सुपरफ्लूअस बन गया। सुपरफ्लूअस को हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त, जिसको कहते हैं रिडंडेंट। तो दोनों एक साथ नहीं आएगा, तो यही हम आपको जो बताने जा रहे हैं, तो इसी बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुपरफ्लूअस सेंटेंस कैसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है? ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपको। ये एनडीए में भी आता है, एयरफोर्स में भी आता है, नेवी में भी। तो देखते हैं, सबसे पहला फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे जरा। तो फर्स्ट में लिखा मैंने कम एक्रोस। कम एक्रोस का जो एक्चुअल में जो मीनिंग होता है, ध्यान देखिए जरा, कि कम एक्रोस का मतलब होता है हिंदी में अचानक से मिलना। तो मैं इसको सडन मीट कह सकता हूं। अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये सडन मीट जो होता है ये कम एक्रोस का मीनिंग होता है। तो कम एक्रोस के अंदर से सडन निकला और कम एक्रोस के अंदर से मीट निकला। तो पॉइंट नंबर एक, मैंने बोला सडन कम एक्रोस, तो मुझे एक बात पता चला कि जब कम एक्रोस का मतलब ही अचानक से मिलना होता है तो इसमें अंडरस्टूड है सडन, तो यहां पर सडन नहीं आएगा। सेकंड इज दैट मैंने बोला कम एक्रोस मीट, तो जब इसके अंदर से मीट भी निकल रहा है तो यहां पर ये भी नहीं आएगा। क्या यहां पे मीट नहीं आएगा? और थर्ड इज दैट कि जब हम किसी से अचानक से मिलते हैं तो किसी से तो मिलते हैं, तो किसी से मिलते हैं तो मतलब किसी के साथ मिलते हैं, तो साथ भी इसके अंदर से निकल रहा है। तो मुझे तीसरा बात एक बहुत इसमें एक बार सीडीएस में पूछा गया था कि कम एक्रोस जो होता है कम एक्रोस के साथ में विद भी नहीं आएगा। तो तीन थ्री स्टेप हम लोग सीख के चले, यहां पे विद नहीं आएगा, मैट नहीं आएगा और यहाँ पे क्या नहीं आएगा, यहाँ पे सडन नहीं आएगा। जैसे कल रात में अचानक से अपने बचपन के फ्रेंड के साथ में मिला, तो मैंने क्या लिखा, लास्ट नाइट आई सडनली। देखो पास्ट में बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में मैन वर्ब का अफर्मेटिव में क्या आता है, सेकंड फॉर्म आता है कम केम कम, तो कम का क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, लास्ट नाइट आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड, का मतलब बचपन का चाइल्डहुड फ्रेंड। So, मेरे प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में हम देखते हैं कितनी एरर्स। जैसे लास्ट नाइट कल रात की बात कर रहे हैं तो कम का गेम हो गया, क्योंकि पास्ट में बात कर रहे थे, तो इससे पहले क्या नहीं आएगा, यहाँ पे सडनली नहीं आएगा। और फिर मैं एक बात और बोल सकता हूँ, सडनली केम अक्रॉस विद, अगर मैं यहाँ पे विद लगाऊंगा तो इसके साथ में कम अक्रॉस के साथ में विद भी नहीं आएगा। तो इससे तीन तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। टेक अ टाइम प्लीज, आप नोट कर लीजिएगा। आप इसको जैसे नोट करते हो, जैसे वीडियो जो चल रहा है उसको आप बीच में पॉज करके भी नोट कर सकते हो, ठीक है? थर्ड इज नेक्स्ट इज दैट, जैसे मैं बात करूं, जैसे जनरली हम लोग कहते हैं कि यार तुम पूरे बोरिए बिस्तरे के साथ यात्रा क्यों करते हो, हल्के सामान के साथ क्या करो ना। अब जब मैं बोरिए बिस्तरे की बात कर रहा हूं तो बोरिए बिस्तरे का मतलब क्या है, पूरा का पूरा सामान। तो पूरा का पूरा सामान जब मैं यात्रा करूंगा तो पूरा सामान तो मेरे साथ में चल रहा होगा। तो मुझे एक बात पे यहां पे पता चला, नंबर टू, कि एक वर्ड होता है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तरा। तो मुझे सिंपल से एक बात पता चला, जो खुद ही बोरिया बिस्तरा है, मैं ट्रेवल करूंगा तो मेरे साथ में तो चले गई ना, तो इसके साथ में कभी बच्चों क्या नहीं आता, विद नहीं आता। तो यहां पर गड़बड़ क्या है, दिखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, यहां पे विद नहीं आएगा। जैसे एग्जाम में कैसा आएगा, व्हाई डू यू ट्रेवल विद बैग एंड बैगेज। अब देखो बैग एंड बैगेज, जैसे मान लो मैं कितने तरीके से बना सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी पूछ सकता हूं, ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, या सी पार्ट में एरर है, या लास्ट में डी नो एरर है।
अब बच्चों जरा स्पोर्टिंग एरर्स को फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखा रहे बैग एंड बैगेज के साथ में तो कभी टीचर ने बोला था विद नहीं आता तो सी पार्ट में एरर हो गया, या मैं इसको यहाँ से ऐसे हटा के इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। मेरे दिमाग में एक बात आई कि एक वन वर्ड आया, जैसे मैं ट्रेवल की बात कर रहा था, तो ट्रेवल का जब मैं बात करूंगा तो एक बात जरा देखो, जब ट्रेवल की बात करोगे तो एक जैसे वन वर्ड बना फियर ऑफ ट्रेवल। अब एक बात दिमाग में रखना है, पढ़ा तो मैं सुपरफ्लूस सेंटेंस ही रहा था, ये मैंने बीच में वन वर्ड कैसे लिख दिया भाई। तो आप भी नोट करके वहीं पे नोट डाल लोगे और वहीं पे लिख लोगे, क्योंकि जब कोई चीज कनेक्ट करके याद करते हो लंबे टाइम तक जाती है, एग्जाम में बहुत बार फंसती है। देखो जब भी फियर का बात आएगा तो फियर का मतलब डर होता है, तो डर को हम लोग फोबिया कहते हैं। अब भाई फोबिया बहुत सारे वर्ड है, ट्रिपिडेशन भी होता है, बोगी भी होता है, या इन बटल भी चला जाएगा, कंफ्यूज होता है डर के लिए, हम वहां पे वोकैबुलरी की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक बात पता चला, जब भी फियर किसी भी सेंटेंस में फियर आएगा और उसका वन वर्ड बनाना होगा तो उसका रूट वर्ड क्या काम करने वाला है, फोबिया काम करेगा भाई। अब देखो मान के चलो कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल का डर बता रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है और दूसरा आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो दोनों में क्या लगी है, दोनों में ट्रेवल करने का होड़ लगा है, ये चाह रहा है कि मैं आगे निकलूं, ये चाह रहा है मैं इससे आगे निकलूं। अब दोनों में क्या लगा है, होड़, क्या लगा है, होड़, तो इसमें लगा दो ओ अपने पास से, तो क्या बन गया, होड़ो। अरे भाई जब फियर का बात करेंगे तो रूट वर्ड क्या बात करेगा, यहाँ पे फोबिया, तो क्या बन जाएगा, होड़ो फोबिया। तो एक वन वर्ड कैसे बन के तैयार हुआ, फियर ऑफ ट्रेवल को हम क्या बोलेंगे, होड़ो फोबिया। अब मेरे दिमाग में एक बात हो रहा रही है, ये वर्ड होता है मैनिया, मैनिया का मतलब बच्चों लत होता है, जिसको ऑब्सेशन कहते हैं। जब मैं बोलूं कि मैनिया, मैनिया फॉर ट्रेवल या मैनिया ऑफ ट्रेवल बोलूं मैं, अगर मैं मैनिया की बात करूंगा, मैनिया ऑफ ट्रेवल, तो मैनिया बोलूं या ऑब्सेशन भी यहां पे कह सकता हूं मैं, ऑब्सेशन आएगा तो आपको रूट वर्ड मैनिया लगाना पड़ेगा। तो ट्रेवल किससे रिलेटेड होता है, होड़ो किससे रिलेटेड होता है, ट्रेवल से, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, होड़ो, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, मैनिया। तो मुझे उससे यहाँ पे दो वन वर्ड भी तैयार हो गया, एक मैनिया के लिए, एक मेरा वन वर्ड के लिए। चलो आगे चलते हैं, देखो ध्यान देंगे जरा आगे, एक वर्ड होता है कंक्लूजन, बड़ा ध्यान से देखना है। अरे भाई कंक्लूजन का मतलब तो अंतिम निष्कर्ष होता है, जब कंक्लूजन का मतलब अंतिम निष्कर्ष होता है तो ये तो खुद ही अपने आप में फाइनल परिणाम हुआ भाई। तो जब इससे पहले एग्जामिनर क्या चालाकी करेगा, इससे पहले यहाँ पे फाइनल लगा देगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कंक्लूजन ही अंतिम निष्कर्ष है तो इसके साथ में फाइनल वर्क क्यों करेगा भाई। तो कभी भी फाइनल कंक्लूजन नहीं बोला जाएगा, हमेशा क्या बोलो, कंक्लूजन बोलो। तो मैं जैसे बोलू सर दिस इज माई फाइनल कंक्लूजन, तो कहां पे रॉन्ग हुआ, फाइनल नहीं आएगा, वेरी गुड। तो जैसे एक बात जरा मेरे दिमाग में आ रही है, नेक्स्ट है नंबरिंग, आप खुद करते रहना जरा, ठीक है। मैंने एक बात बोला हस्बैंड, हस्बैंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हस्बैंड को हिंदी में तो पति कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हबी। सो मेरे प्यारे बच्चों एक वर्ड आया वाइफ, तो वाइफ को इंग्लिश में कहते हैं बेटर हाफ, ये एडियम है याद रखना, बेटर हाफ कहते हैं, ये अपना आप में एडियम है, क्योंकि वाइफ तो पति की, पत्नी जो वाइफ होती है पति की आधी होती है, ये सिर्फ बोलने में आखिर वैसे पूरी होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेटर हाफ। अगर मैं बोलूं हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ को स्पाउस कहते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों स्पाउस का मीनिंग क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड वाइफ को CONSORT कंसोर्ट कहते हैं। तो दो बात मुझे सीखने को मिला कि पति और पत्नी को स्पाउस और कंसोर्ट कहते हैं। तो स्पाउस के अंदर से क्या निकला है, वाइफ भी निकला है, और इसी के अंदर से हस्बैंड भी निकला है, और इसी के अंदर से वाइफ भी निकला है, हस्बैंड भी। तो मैंने क्या बोला, देयर इज अ कपल ऑफ कंसोर्ट वाइफ, या मैं मान लो हस्बैंड डाल दिया, तो यहां पे क्या नहीं आएगा, ना इसके साथ में हस्बैंड के साथ कंसोर्ट के साथ में ना क्या आएगा, ना वाइफ आएगा और ना ही यहां पे हस्बैंड आएगा। ये कई बार एग्जाम में आता है, ध्यान देना इस पर भी। आगे चलते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए जब कोई आदमी मर जाता है तो मरने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, तो उसको हिंदी में कहते हैं शव यात्रा। जब शव यात्रा होती है, शव यात्रा को इंग्लिश में कहते हैं फुनरल, क्या बोलते हैं बच्चों, फुनरल।
अब हम आपको एक बात बता के चलते हैं कि फ्यूनरल का मतलब सब यात्रा हुआ। अब ये फ्यूनरल तो बोलना बिल्कुल ठीक है, अगर आप बोलो फ्यूनरल सर्विस, ये सीडीएस में आया हुआ है। अरे भाई जब सब यात्रा में जाएंगे तुम आपको कोई सर्विस करने जा रहे हैं क्या? वहां पे तो नॉर्मल जाओगे तुम। लास्ट में कल रात मैंने सब यात्रा अटेंड की थी तो क्या बोलेगा, लास्ट नाइट आई अटेंडेड द फ्यूनरल सर्विस। तो गड़बड़ कहां पे हो गया भाई, गड़बड़ हो गया इस सर्विस में। फ्यूनरल के साथ में कभी भी क्या नहीं आएगा, सर्विस नहीं आएगा। मैं ऐसे पूछूं ए पार्ट में एरर है या बी पार्ट में एरर है या सी पार्ट में एरर है, लास्ट में डी नो एरर है, तो कौन से पार्ट में एरर आ गया भाई, सी पार्ट में एरर। सबको दिख रहा है कि फ्यूनरल के साथ में कभी भी क्या नहीं आएगा, सर्विस नहीं आएगा। देखो याद रखना है, अगर मेरे दिमाग में कहानी आ रही है, जब मैं भी एनडीए कर रहा था तब एक दिन मैम से मैं पढ़ा था तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी उस टाइम। उस कहानी में बहुत सारे वर्ड उन्होंने यूज किए थे, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मैं उन्होंने एक कहानी लिखाई थी, कल रात मैंने सब यात्रा अटेंड की थी लेकिन तुम जानते हो मैं किसी जलती हुई चिता को नहीं देख सकता, इसलिए केवल मैंने दाह संस्कार में भाग लिया। सो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता के चलता हूं, जब आदमी मर जाता है, अभी थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटूंगा कम से कम 5 मिनट तक, ठीक है, ध्यान देना है। अभी पढ़ हम सुपरफ्लूस सेंटेंस ही रहे हैं, या इसको रिडंडेंट भी कहते हैं, इसको स्लैंग भी कहते हैं, हम उस पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, नोट करके यहाँ पे लिखना। देखो जब सबसे पहले मैं आपको पूरा मृत्यु पढ़ा देता हूँ कि मृत्यु होता क्या है, कफन को क्या कहते हैं, चिता को क्या कहते हैं, दाह संस्कार को क्या कहते हैं, या मैं आपको बता के चलूँ डेथ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसके सिनोनिम बताऊंगा, ध्यान देना जरा। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है DISEAS, ये होता है डिजीज, और एक होता है डिसीज। सो मेरे प्यारे बच्चों जब डिस आ जाए इसको हम क्या बोलेंगे, देखो डिसऑर्डर, क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर, डिसकनेक्टेड, या आप कोई भी चीज बोलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डिस से क्या बना, डिसीज बना। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, नीचे वाला क्या बोलेंगे, डिसीज, इसमें सी आया, तो डिसीज का मतलब क्या होता है, डेथ। इसको मैं डिमाइस भी कहता हूं। तो मुझे एक बात सीखने को मिली कि डी यहां पे भी आया है और डी यहां पे भी आया है और डी यहां पे भी आया है। तो जो डिजीज मैंने, डिसीज जो मैंने लिखा है, ये जो डिसीज लिखा है इसको देखो डिमाइस बना कि नहीं बना, तो इसका मतलब मृत्यु हुआ। जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद फिर क्या होता है, मरने के बाद बोलते हैं भाई तुम एक काम करो, मान लो कोई आदमी रोड एक्सीडेंट में मर गया, तो रोड एक्सीडेंट में मरने के बाद एक आदमी तो एक दिन में रोड एक्सीडेंट से मरेगा नहीं, बहुत सारे लोग मरेंगे। तो हम मतलब क्या करते हैं, इसको पुलिस वाले या कोई भी आदमी उठाएगा तो उसको वहां पे रख देगा, इसको हिंदी में कहते हैं शवगृह। तो शवगृह में बोलते, उसको इंग्लिश में कहते हैं मोर्चरी। तो ध्यान देना है, एक वन वर्ड बनता है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट, दैट कॉल्ड मोर्चरी, ठीक है। तो MORTUAR, मोर्चरी का मतलब क्या होता है, शवगृह, याद रखना। अगर मैं मोर्चरी से आगे बढ़ूं तो जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद डेड बॉडी का क्या करते हैं, डेड बॉडी का क्या करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। तो आइडेंटिफिकेशन जब करेंगे हम लोग तो एक बात जरा जान लीजिएगा, एक वनवर्ड बनता है मोर्ग्यू, क्या बनता है, मोर्ग्यू, MORGUE। सो मेरे प्यारे बच्चों क्या वनवर्ड बना, मोर्ग्यू। तो मैं कैसे बोलूंगा, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, मोर्ग्यू, जहां पर डेड बॉडीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है उसको मोर्ग्यू कहते हैं। तो मोर्ग्यू को कैसे याद करेंगे, ले भाई मर गया यू, बोलो मर गया यू, मोर्ग्यू, तो क्या बन जाएगा, मोर्ग्यू बना ना। तो जब आदमी का, जब डेड बॉडी का जब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। तो पोस्टमार्टम को इंग्लिश में कहते हैं एटोप्सी, क्या बोलते हैं, एटोप्सी। तो एटोप्सी को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पोस्टमार्टम बोलेंगे, ठीक है। अब डेड बॉडी भी दो प्रकार का होता है, डेड बॉडी आदमी का भी है, डेड बॉडी एनिमल का भी है। तो दोनों को दोनों हम बता के चलते हैं, दोनों एग्जाम में आए हुए बहुत ज्यादा बार, एक बार एयरफोर्स में भी शायद आया था, आई थिंक ये ह्यूमन डेड बॉडी का था। जो डेड बॉडी होता है, डेड बॉडी उसको इंग्लिश में कैडेवर कहते हैं, CADAVR, कैडेवर का मतलब होता है लाश। ये लाश एनिमल और ह्यूमन के बारे में बात नहीं कर रहे, ये लाश नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो जब मैं बात करूं कैडेवर का तो इसका मतलब तो लाश हुआ, द
गलती से किसी बच्चे ने क्या करा, जो कैडेवर था इस कैडेवर में वो यूएस लगा दिया। देखो मैं कहां से कहां जा रहा हूं, कैडेवर पहले तो हम लोगों ने बात करा था कैडेवर का, फिर इसमें ओ यूएस लगा, तो कैडेवरस का मतलब होगा डर से पीला पड़ जाना। जैसे किसी ने एक साथ एंटर करा और एकदम से उसे बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, तो एकदम से आपके डर से पीला पड़ गया, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे पेल। क्या बोलेंगे? पेल, या जी एच ए एस टी एल वाई, घास्टली। तो घास्टली का मतलब भी क्या हुआ? डर से पीला पड़ जाना। और इसका मतलब भी क्या हुआ? डर से पीला पड़ जाना। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आदमी का डेड बॉडी की बात करूं, तो ह्यूमन डेड बॉडी जो होता है उसको कॉर्प्स कहते हैं। अगर मैं एनिमल डेड बॉडी का बात करूंगा, इसको देखो, कल रात कोई कार लेके जा रहा था और अचानक से हिरन का बच्चा उसकी कार के नीचे आया, तो कार से केस हो गया, एनिमल मर गया। तो बोलो कार से केस। कार से केस का मतलब कार, और लगा दो कास, तो क्या बन गया? कारकास। तो कारकास का मतलब क्या हुआ? कारकास का मतलब जानवर का डेड बॉडी, और आदमी का डेड बॉडी क्या बोलेगे? कॉर्प्स बोलेंगे, और डेड बॉडी को अकेला क्या बोलेंगे? कैडेवर बोलेंगे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। डेड बॉडी आ गया, डेड बॉडी के बाद में सिर्फ दो मिनट और लगेगा, फिर उस पॉइंट पे हम लोग अपने चलने वाले हैं सुपर फ्लूस सेंटेंस पे। फिर जैसे आदमी मर जाता है, तो मरने के बाद बोलते हैं उसको कफन पहना दो भाई। तो कफन को इंग्लिश में कहते हैं सराउंड। क्या कहते हैं? एस एच आर ओ यू डी, सराउंड का मतलब कफन। इसको बाइंडिंग सीट भी कहते हैं। ध्यान देना, बहुत ध्यान देना यहाँ पे, अब मैं क्या बताने वाला हूँ अभी। वाइंडिंग सीट का मतलब क्या हुआ? वाइंडिंग सीट का मतलब भी कफन हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, जब आदमी मर जाता है, तो मरने के बाद या कोई भी आदमी जनरली है, मान के चलो लेटा हुआ है, और कोई आदमी आया, उसको कफन को उसने रैप कर दिया, ठीक है, इधर से भी दबा दिया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मुझे क्या पता वो आदमी सच में उसमें डेड बॉडी है, मरा हुआ है, या नॉर्मल आदमी को उसने रैप करके रखा है। रैप को इंग्लिश में कहते हैं स्वैप। यहां पे नोट कर लेना, एस डब्ल्यू ए टी एच ई, स्वैप का मतलब होता है आर ए पी, डब्ल्यू आर ए पी, रैप। नया वर्ड सीखने को क्या मिला? स्वैप। ध्यान देना। अब देखो, जैसे डेड बॉडी को उसने लपेटा, तो मुझे तो नहीं पता उसके अंदर वो जिंदा है कि मरा हुआ है। तो इसका जो एसएससी ने ऑप्शन बनाया था, इसका ऑप्शन बनाया था सीक्रेट। अरे भाई आप क्या पढ़ा रहे हो? आप तो कह रहे थे कि सराउंड का मतलब तो कफन होता है, आप इसी को कह रहे हो कि सीक्रेट होता है। अरे भाई, कफन जो अंदर पहना है, मुझे क्या पता कि मरा हुआ है कि जिंदा। तो इसको ऑप्शन वहां पर एसएससी ने क्या दिया था एमटीएस में? सीक्रेट आया था इसका। तो याद रखना, इसका सीक्रेट भी बन सकता है। गलती से मेरे से क्या हट गया? मेरे से यहाँ पे सीट हट गया भाई, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखा? ओनली वाइंडिंग। अब वाइंडिंग का मतलब क्या होता है? घुमावदार। क्या होता है? घुमावदार। अब जैसे मैंने बोला मसूरी रोड, एम यू डबल एस डबल ओ आर आई, मसूरी रोड इज वेरी वाइंडिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, वाइंडिंग मीन्स क्या हुआ? वाइंडिंग का मतलब होता है घुमावदार। अब मुझे एक बात पता चला, जब वाइंडिंग का मतलब घुमावदार है, जिगजैग तो पता ही है, उसे लिख देता हूं चलो, जिगजैग। इसको मेंडर भी कहते हैं, एम ई ए एन डी आर। मेंडर का मतलब भी घुमावदार। क्या बन जाएगा? घुमावदार बन जाएगा। अब एक वर्ड आता है टोर्टस। क्या आता है? टी ओ आर टी यू ओ यू एस, टोर्टस मीन्स ऑल्सो घुमावदार। जो सांप होता है, सांप कभी भी सीधा नहीं चलता, सांप भी ऐसे चलेगा, तो उसको बोलते हैं घुमावदार के लिए सरपेंटेन, एस ई आर। तो ये क्या आ जाएगा? घुमावदार के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है। अब उससे आगे फिर चलो, ज्यादा ही गहराई में हम लोग लगता है चले गए। फिर उससे आए, जैसे डेड बॉडी को कफन पहनाया, तो उसके बाद में क्या होता है? तो उसको बोलते हैं भाई, एक काम करो, उसका